किनरविल क्लब की ओर से शिक्षक सम्मान का आयोजन किया गया। इस सम्मान में कई शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। साथ में कहा गया कि ये शिक्षक ही हमारे देश को, हमारे हर बच्चे को उनके विकास में सहभागिता होती है और गुरुजनों को सम्मान करना एक काफी ही न्यायोचित बात होगी। और इनरविल की ओर से कई शिक्षकों को इस अवसर पर सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम शिक्षक दिवस को लेकर आयोजित किया गया जिसमें काफी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे। तुम इतना लंबी होने के बाद भी छिप जा रहे हो, इधर आओ थोड़ा आगे बैठे। नीता मैम, नीता मैम, हां ठीक है, आप ले। इनरविल क्लब अरण्य जो विश्व का एक अत्यंत बड़ा महिलाओं का संगठन है जिसमें समाज के हर क्षेत्र में काम किया जाता है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे उत्पीड़न हो। ये बाल और महिला कल्याण की एक सबसे बड़ी संस्था है जिसका नाम भी हमने अरण्य इसलिए रखा कि ये माँ की भूमि है। अरण्य देवी के नाम से ये भूमि मानी जाती है और वीरों की भूमि मानी जाती है। आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम जगत निर्माता शिक्षकों के सम्मान के लिए किया गया। जगत गुरु सुब्रमण्यम भारती जो अपने आप में ही एक विशिष्ट व्यक्तित्व थे जिन्होंने विश्व को बताया कि शिक्षक जो है वही किसी का भी सही मार्गदर्शन कर सकता है। शिक्षक शब्द को किसी सम्मान की जरूरत नहीं है। जो शिक्षक हैं वो अपने आप में एक गरिष्ठ व्यक्तित्व रखते हैं जिनका काम ही निस्वार्थ सेवा करना है, समाज को सही मार्गदर्शन देना है और राष्ट्र को सही गलत की पहचान कराना है। आज के समय में युवा पीढ़ी जो है वो जोश तो बहुत रखती है पर होश नहीं रखती। इनको वो होश के साथ हर सही गलत की पहचान कराना और रास्ता दिखाना ही हमारा उद्देश्य है। इसीलिए हमने नेशन बिल्डर्स ऑनरिंग डे के रूप में आज गुरु सुब्रमण्यम भारती के जन्म दिवस पे ये दिन शिक्षक दिवस जो है थोड़ा विलम्ब तो हुआ क्योंकि यहाँ पे अधिक महिलाएं जो हैं सब शिक्षा से ही हैं। उन्हें मौका आज इतवार के दिन ही मिला और हमने टाउन के सबसे गरिष्ठ शिक्षा क्षेत्र में जो सच में शिक्षक शब्द को सार्थक करे हैं वैसे महिलाओं को सम्मान करके हमने उन्हें सम्मानित नहीं किया, उन्होंने हमें गौरवान्वित किया यहाँ आके अपना कीमती व्यस्तता के बावजूद भी थोड़ा समय देके। धन्यवाद। सुनीता सिंह, अध्यक्ष इनरविल क्लब अरण्य। इनरविल की तरफ से सम्मानित किया गया टीचर्स डे के ओकेजन पे कि नेशनल बिल्डिंग में हम लोगों का कितना योगदान है। आज के यूथ के लिए ये जरूरी है कि सही डायरेक्शन भी हो जाए, वो उसमें लोग जोश खो देते हैं। तो हम लोग टीचर के कोशिश यही करते हैं कि सबको अच्छा डायरेक्शन मिले, सबको प्रॉपर एजुकेशन मिले, आगे जाके कैसे काम करें उसको अच्छे से गाइड कर पाए। तो आज अच्छा लगा और ये अच्छा लगा कि एक वुमेन एम्पावरमेंट को प्रेजेंट करते हुए एक वुमेन डिग्निटरी से आज सम्मानित हुए, इसलिए अच्छा लगा। डॉक्टर अरुंधति मल्लिक, जैन कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स। इनर विल के पर मुझे आमंत्रित किया गया, हम लोगों के स्वागत के लिए उन्होंने ऐसा प्रोग्राम रखा जो लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। वास्तव में देखा जाए तो शिक्षक से बड़ा कोई नहीं है। शिक्षक ही हर तरह के हर विभाग में जाने वालों को शिक्षित करके रास्ता बनाता है, दिखाता है। पहले के जो शिक्षक रहे वो माँ बाप से भी ज़्यादा बड़ा स्थान रखते थे। आज के डेट में हमारे विद्यार्थी भटक गए हैं, हमें अच्छे शिक्षक की ज़रूरत है। और ये दिवस आता है तो बार बार शिक्षकों को उनका कर्तव्य क्या है उसकी याद भी दिलाता है कि एक राष्ट्र के सर्वोपरि सर्वोत्तम स्थान को ग्रहण करने वाले शिक्षक ही थे। हमारे राष्ट्र के द्वितीय राष्ट्रपति, स्वतंत्र भारत के द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन एक शिक्षक
मेरा नाम डॉक्टर गांधी सिंह है, आरबीएस की डायरेक्टर। स्टार्ट करना होगा तो बोलिएगा। आज इनर व्हील क्लब रोटरी क्लब का एक ब्रांच है जिसमें कि महिलाएं आगे बढ़ चढ़ कर काम करती हैं। जैसा कि हमारे अध्यक्षा ने कहा कि चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का हो या महिला उत्पीड़न का हो, तो हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ के काम करती हैं, समाज सेवा करती हैं, चाहे वो कोई भी संस्था हो। आज इस संस्था के द्वारा हम सभी शिक्षकों को सम्मान दिया गया, इसके लिए हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हम अपने अपने क्षेत्र में सभी काम अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और शिक्षकों का परम कर्तव्य ये होता है कि अपने बच्चों को सही दिशा दिखाएं, सही मार्गदर्शन दिखाएं, ताकि वो आगे चल के एक अच्छे स्वस्थ नागरिक बने जो कि समाज के लिए कुछ और आगे कर सके। बहुत खुशी होती है ये देख करके हमारी पढ़ाई की छात्राएँ इतने ऊँचे ऊँचे पद पर हैं, जिनको आज उनमें से एक छात्रा को यहाँ भी सम्मानित किया गया। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और उम्मीद है कि इसी तरह से हम सभी आगे बढ़ते जाएंगे और समाज के लिए कार्य करेंगे। डॉक्टर लतिका वर्मा, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, वीर कुमार सिंह यूनिवर्सिटी।